उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तरह तर्ज पर सशक्त भू कानून लाने की मांग तेज हो गई है। भू माफियाओं के चंगुल में फंसे पहाड़ी राज्य की इस पीड़ा को सरकार भी जानती है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इसी मामले को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े युवाओं ने आवाज़ बुलंद की। युवाओं ने कहा है कि भू माफिया नौकरशाह और राजनेताओं के गठजोड़ ने पहाड़ को वीरान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश के पहाड़ी जिलों से लगातार पलायन हो रहा है और भूमाफिया उन जमीनों पर खुर्दबुद करने में जुटे हुए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कि आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंचे और देखिए कि जब तक ये भूमाफियाओं को रोका नहीं जाएगा तो पहाड़ का पलायन नहीं रुक सकता है। आज पहाड़ में लगभग लगभग कम से कम 70% जमीनें बिक चुकी हैं। देखिए, भू कानून की जो आवाज़ यहाँ पर लगातार पूरे प्रदेश के वासियों द्वारा उठाई जा रही है, उसमें केंद्र सरकार पूरी तरीके से बहरी हो चुकी है, राज्य की सरकार पूरी तरीके से बहरी हो चुकी है। और ये भू कानून के जो नियमों में परिवर्तन करा गया है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत द्वारा किया गया है। जी, लगातार हम कई वर्षों से भू कानून को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी क्षेत्र हमारे जितने भी पहाड़ों से लोग हैं वो यहाँ पे इस आंदोलन में आ रहे हैं। उनकी बस यही है कि मांग है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज में सशक्त भू